दिस इज निशा एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। कुछ लोग की एग्जाम्स चल रही होगी या फिर हो चुकी होगी, तो आई होप सब कुछ बहुत अच्छा रहा होगा आप लोगों के लिए। और इसी के साथ ही शादी सीजन इज बैक, अभी बैक टू बैक बहुत सारी शादियाँ इनफैक्ट मेरे घर में भी है। तो सबसे बड़ा हेडेक होता है लड़कियों के लिए कि भाई साड़ी और जो भी लहंगा वगैरह वो तो खरीद लेते हैं, तो ब्लाउज इन्हें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, कहाँ सिलवाए, किससे सिलवाए, और वो भी इस रश में। तो फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोना डू रेडीमेड ब्लाउज हॉल, तो मेरे लिए भी एक एक्सपीरियंस हो जाएगा बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई। तो आई थॉट कि चलो हम सब मिलके ही ट्राई करेंगे कि कैसी क्या चीज़ें आती है। एंड प्लस पॉइंट पता है क्या, इस बार ना मैंने ड्यूप्स भी ऐड किए, लाइक सब्वे सर्चिंग के ड्यूप्स वगैरह भी मैं लेके आई हूँ, एंड वो भी मीशो से अफोर्डेबल प्राइस रेंज में। तो इट्स गोना बी रियली एक्साइटिंग कि थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड रुपीज़ का ब्लाउज आपको कुछ हंड्रेड रुपीज़ में मिल रहा है, तो कैसी क्या क्वालिटी आएगी, फिटिंग क्या कैसी आएगी, तो चलो मिलके देखते हैं विदाउट एनी फर्दर एडो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ना मैं ड्यूप से ही शुरुआत करती हूँ। मैंने लिया था सभ्यसाची का ड्यूप, ये मरून कलर का ब्लाउज, एंड मैंने लिटरली उनकी ऑफिशियल साइट पे जाके चेक किया था, सेम ही कलर था, सेम डिज़ाइन था, इसलिए मैंने इसी कलर में बुलवाया है। अदरवाइज इसमें आपको काफ़ी सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, लाइक ग्रीन एंड रॉयल ब्लू अवेलेबल है, तो यू कैन चेक इट आउट। और पीछे से इसका बैक कुछ इस टाइप का दिखता है, डोरी वाली डिज़ाइन देके रखी है। आगे आपको इसे बहुत ही प्यारा लाइक ऑल ओवर सितारों और जरी का काम मिलेगा, तो आपकी काफ़ी सारी साड़ी इनफैक्ट लहंगे के साथ भी आप इसको स्टाइल कर सकते हो। और इसमें आपको स्लीव्स भी देके रखी है, लेट मी शो यू। तो आपको मिल जाएगी स्लीव्स इसके साथ, तो अगर आपको इसे पहनना अनकम्फर्टेबल होता है या फिर आपके यहाँ अलाउ नहीं है, तो डेफिनेटली आप स्लीव्स के साथ पहन सकते हो, या फिर आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं स्लीव्स पे लगाने के लिए, यू कैन ट्राई दैट टू। इसके लिए मैंने प्राइस पे किया था सिर्फ 262 रुपीज़, एंड आई वाज वंडरिंग कि कैसे थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड रुपीज़ के ब्लाउज़ का ड्यूप इतने सस्ते में दे सकते हैं। मैंने इसका लिया था साइज 30, ऑल्दो आई एम 32, बट मैंने 30 साइज लिया था बिकॉज ब्लाउज़ में थोड़ा मार्जिन रहता ही है, राइट। ऑल्टरेबल 30 लिया था एंड इट फिट्स मी परफेक्टली, इसका बिल्कुल भी डीप नेक नहीं है, मतलब देख के रखा है ऐसा लग रहा होगा देखने पे, बट पहनने पे बहुत बहुत कंफर्टेबल है। तो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर दिस, इसका कोई भी कलर ले लो, बहुत अच्छे से फिटिंग आएगा। ओके, द नेक्स्ट ब्लाउज आई एम गोना शो यू, इट इज़ वायरल ऑल ओवर इंटरनेट, और इसमें मैंने करेक्ट साइज ढूंढने का बहुत ट्राई किया बट मुझे नहीं मिला, तो मुझे साइज 38 लेना पड़ा, क्योंकि इतना प्यारा था कि मेरा दिल आ गया था, एंड आई वाज लाइक यार मैं रीसाइज करा लूँगी, बट मुझे तो चाहिए क्योंकि ये सिल के नहीं मिलेगा, मुझे बुटीक वगैरह पे एम्ब्रॉयडरी करानी पड़ेगी तो उसमें बहुत खर्चा हो जाएगा। सो आई थॉट यार नहीं चलो ले ही लेती हूँ, तो मैंने लिया ही ब्लैक कलर का बहुत ही सुंदर सा ब्लाउज। लुक एट द बैक गाइज, इसमें दूल्हा दुल्हन का प्रिंट बना हुआ है, पूरा क्लोज नेक है, बट इतनी प्यारी वाइब देती है ना कि लड़कियां ना आपके बैक को ज़रूर नोटिस करेगी कि यार ये कुछ तो अच्छा सा पहन के आई है। तो मैंने इस कलर में लिया है, इसमें आपको कलर ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाएंगे, लाइक जितने भी कलर आपकी साड़ियों के साथ जाएंगे ना, ग्रीन, रेड, मरून, येलो, वाइट, बेज, बहुत सारे कलर्स है। स्लीव्स आपको कुछ इस टाइप की मिल जाएगी, एंड इस पर भी ऐसे मोर वाला कुछ तो डिज़ाइन बना हुआ है स्लीव्स पे, यहाँ पे भी बहुत भारी जरी का काम दिखेगा आपको, आगे की साइड पे ऐसे प्रॉपर हुक दे के रखे हैं। तो इफ़ योर साइज 38 ना, आपके लिए तो चांदी ही चांदी है, आपको तो बराबर फिट आ जाएगा। मुझे ऑल्दो ये रिसाइज कराना पड़ेगा, एंड आई एम मोर देन हैप्पी बिकॉज इसका जो डिज़ाइन है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही आया है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये ब्लैक कलर आपकी किसी भी रेड, मरून या फिर ऐसे येलोश कोई भी लाइट शेड के साथ अच्छा लगेगा, तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस। और वो सब छोड़ दो यार, इसका बैक ही देख लो, मतलब चुम्मेश्वरी एकदम। और हाँ, इस ब्लाउज के लिए मैंने प्राइस पे किया था 668 रुपीज़, विच इज़ क्वाइट हाई, बट कंसिडरिंग कि ऐसे आपको डिज़ाइन मिलेगी नहीं, ये बहुत सस्ता लग रहा है मुझे ओवरऑल लुक के हिसाब से। और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्लाउज की ओर, एकदम चिटाक रेड में लिया है, जो स्कारलेट रेड आता है ना, और बहुत हैवी वर्क है इस पर। तो आई गॉट दिस ब्लाउज एंड ओ माई गॉड, इसका जो ओवरऑल डिज़ाइन था ना, दैट इज़ टू अमेजिंग, मतलब देखो यार इतना भारी काम, ऐसा लग रहा है कि दुल्हन का ब्लाउज है बिल्कुल ब्राइडल स्टाइल में, एंड ऑब्वियसली आप इसको पहन सकते हो अपने लहंगास के साथ, साड़ीज के साथ, प्लेन साड़ी के साथ स्पेशली यार, अगर आप इस टाइप का कुछ ब्लाउज ऐड कर दोगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा। कुछ इस टाइप की आपको भारी सी लेस वाली स्लीव्स मिल जाएगी, पूरी लेस वर्क है, वेलवेट का इसका फैब्रिक है, और आपको अंदर से लाइनिंग वगैरह मिल जाएगी, बैक साइड पे डोरी देके रखी है विद दिस लटकन्स, मतलब लटकन भी डिज़ाइन वाली,
और इसका जो नेक है ना वो हल्का से से बोट नेक वाला जो मुझे ना वैसा वाइब दे रहा था, और बहुत ही मतलब मेरे स्किन टोन पे खिल रहा था। तो ये इंडियन स्किन टोन के लिए परफेक्ट है ऑब्वियसली, तभी तो ब्राइट्स रेड और कलर वगैरह पहनती है। तो यार दिस इज सो कूल, और आपको नीचे ना कुछ ऐसे टेसल्स वाली डिज़ाइन मिल जाएगी। तो इसमें ना मैंने साइज 36 लिया था, बिकॉज अवेलेबल नहीं था, इसलिए ना ये जो टेसल्स है ना ये बहुत नीचे तक आ रहे हैं। तो मुझे तो बराबर लाइक लेंथ लगी नहीं इसकी, बिकॉज बड़ा साइज है, तो मैं इसके टेसल्स निकालने वाली हूँ, नहीं तो बहुत ही लाइक हेवी तामझाम लग रहा है मुझे। पर ऐसे अगर आपका प्रॉपर फिटिंग वाला ना, तो ये टेसल्स भी बहुत सुंदर लगने वाले हैं। ओवरऑल डिज़ाइन इसका भी बहुत अच्छा है। इसमें आपको कलर ऑप्शंस वही सेम मिल जाएंगे, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, पिंक, पर्पल, लाइक जो भी कलर आपकी साड़ी के साथ जाता होगा ना कॉन्ट्रास्ट में, या फिर मैचिंग, मतलब कुछ ना कुछ तो मैच हो ही जाएगा। तो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। तो द नेक्स्ट ब्लाउज आई एम गोइंग टू शो, ये आपने मेरे पिछले हॉल वीडियो में देखा होगा, मैंने अपने ब्लैक लहंगा के साथ यही ब्लाउज पहना था। सो दिस इज दी फेमस जो मिरर वर्क वाला ब्लाउज होता है, इसमें भी आपने अनगिनत कलर देखे होंगे, मीशो पे बहुत बार देखा होगा, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग दिस। और इतना अच्छे से फिट हुआ मुझे, आपको इसमें प्रॉपर लाइक स्लीवलेस ऐसी स्लीव्स मिल जाएगी, वी नेक मिल जाएगा, और पूरा असली मिरर्स का काम मिल जाएगा। दैट इज सो सो ब्यूटीफुल। मेरे लहंगे के साथ आपने देखा ही होगा, ऐसे ब्लेंड हो गया, लग ही नहीं रहा था कि कुछ अलग से पहना हुआ है मैंने, लाइक अलग सा ब्लाउज पहना हुआ है। तो लहंगे के लिए तो बहुत ही परफेक्ट है, ब्लैक साड़ी और लहंगा तो आपके वार्डरोब में होता ही होगा, बिकॉज हर किसी को ब्लैक कलर बहुत पसंद आता है, तो आप इसको पहन सकते हो डेफिनेटली। और इसके लिए जो प्राइस मैंने पे किया था दैट इज़ 220 रुपीज़ ओनली, लाइक असली मिरर का काम और इतना प्यारा डिज़ाइन, और फिटिंग भी एकदम परफेक्ट, वो भी सिर्फ 220 रुपीज़ में। सोच सकते हो इतनी तो इससे कहीं ज़्यादा तो आई थिंक ब्लाउज़ की सिलाई होती है, और सीजन के टाइम पे तो वो लोग अपने और भाव बढ़ा देते हैं। तो इफ़ यू आर लुकिंग समथिंग रेडीमेड और ऐसे कुछ तो प्यारा सा डिज़ाइन है, तो आप इसे डेफिनेटली ले सकते हो। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसे प्लेन से स्लीवलेस ब्लाउज दिखाने वाली हूँ। तो फर्स्ट इज इन रेड कलर, जो कि मैंने थोड़ा सा रिसाइज करवाया है, ये मुझे थोड़ा सा लूज आया था। तो ये दोनों ही मैंने 30 साइज में खरीदे हैं, सेम ब्रांड से। तो ये कुछ इस टाइप का दिखता है, इसका सिल्क टाइप का फैब्रिक है दोनों का भी, और प्राइस मैंने दोनों के लिए 192 रुपीज़ पे किए हैं। साइज़ मैंने 32 लिया था, जो कि मेरा ट्रू साइज़ है, और सबसे कम साइज़ यही अवेलेबल था। तो ये मुझे बहुत अच्छे से फिट आया है। एंड आपकी स्पेशली जो पैठनी साड़ी होती है, या फिर जो सिल्क वगैरह की साड़ी होती है ना, उनके साथ अगर आप इस टाइप का कुछ स्लीवलेस ब्लाउज पहनते हो ना, बहुत बहुत एलिगेंट लुक देता है, बहुत ऐसे सोबर और क्लासी वाइब देता है। तो इसमें आपको सारे कलर्स अवेलेबल हो जाएंगे, रॉयल ब्लू, बेज, ऑफ वाइट, वाइट, ग्रीन, ब्लैक, रेड, मतलब आप कलर का नाम लो और वो अवेलेबल हो जाएगा। तो आप डेफिनेटली चेकआउट करना अगर आप स्लीवलेस ब्लाउज पहनते हो ना, और परफेक्टली साइज का कुछ ढूंढ रहे हो, लाइक मेरे लिए तो वरदान है, बिकॉज मैंने सिलवा के भी देख ली, फिर भी मुझे प्रॉपर फिटिंग मिलती ही नहीं थी। दिस इज द फर्स्ट टाइम मुझे इसे स्लीवलेस ब्लाउज में, मतलब बहुत ऐसे प्यारी क्वालिटी, स्टिचिंग सब कुछ अच्छा मिला है। तो ये है हमारा सेकंड वाला जो मैंने ब्लैक कलर में लिया है। इसमें भी आपको स्लीव्स मिल जाएगी, अगर आपको स्लीव्स भी लगानी है ना लगा सकते हो, बट मुझे ना स्लीवलेस ही चाहिए था अपनी साड़ी से साड़ी स्टाइल करने के लिए। तो आप इसे 2-3 बेसिक कलर ऐड कर सकते हो। मैंने वाइट भी ऑर्डर किया है सेम ब्रांड से, जो कि ऑन द वे है, अभी तक आया नहीं है। तो मेरे पास वाइट, ब्लैक, रेड हो गए हैं, और ये आई थिंक मेरी काफ़ी सारी साड़ीज़ के साथ चल जाएंगे, जो कि मैं पहनती भी हूँ। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड और स्मार्ट परचेज, आपके काफ़ी सारे आउटफिट्स के साथ जा सकता है। अगर आप शादी में जा रहे हो तो हैवी साड़ी के साथ इस ब्लाउज को स्टाइल करो, या फिर ऐसे ही कहीं जा रहे हो तो इस ब्लाउज को सिंपल साड़ी के साथ स्टाइल करो, लाइक कॉटन वॉटन की साड़ी के साथ, एंड यू आर गुड टू गो गाइस। तो बहुत चलेगा ये तो, और प्राइस लाइक 200 के अंदर है, तो यू कैन थिंक यार कि कितने ज़्यादा काम आने वाला है ये। सो दिस इज इट गाइस फॉर टुडेज वीडियो, लेट मी नो कि आपको अच्छा लगा या नहीं कलेक्शन, और भी ऐसे ब्लाउज या फिर एथनिक में कुछ हॉल देखना चाहते हो ना, तो वो मुझे बताओ, बिकॉज आई नो अभी शादी सीजन चल रहा है, सभी एथनिक वेयर ढूंढ रहे होंगे, बट आप बोलोगे तभी बनाऊंगी। बिकॉज क्या होता है ना, एथनिक वेयर का हॉल बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है स्पेशली साड़ी, और फिर उस पर ऐसे रेस्पॉन्स नहीं आता है ना अच्छा सा, तो फिर थोड़ा सा ऐसे मोटिवेशन डाउन हो जाता है।
तो अगर आप बोलोगे तो एक ब्लाउज साड़ी या फिर सूट सेट लहंगा जो भी आप बोलोगे मैं वीडियो बनाने को रेडी हूँ, बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल के बताना। और सिंस समर सीजन आ गया है, लाइक ऑटम तो हमारे यहाँ होती ही नहीं है, तो मैंने बहुत ही ऐसे फ्लोरल प्रिंट वाली चीज़ें ऑर्डर किए, टॉप ड्रेसेस वगैरह। तो अभी काफ़ी अपकमिंग चीज़ें प्लान्ड है, मीशो से डेनिम वेयर भी मैंने ऑर्डर करके रखे हैं, उसका भी प्लानिंग चल रही है वीडियो की, तो स्टे ट्यून्ड। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, में हर हफ्ते ऐसे ही प्यारे प्यारे से वीडियोज़ लेके आती हूँ। और चलो ध्यान रखना अपना, मिलते हैं अगले हफ्ते, बाय।